ये छोटी सी दुआ करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस सुनहरे अवसर के लिए। हाँ प्रभु, हर रोज हमारे दिन में, हमारे जीवन में हर रोज नया दिन आप आपकी असीम दया और कृपा और प्रेम से आप ऐड करते हो, लाते हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपकी आराधना करने का मौका दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के द्वारा हमें, हमसे बात कीजिए। होली स्पिरिट, प्रभु के आत्मा, पवित्र आत्मा देव, आप हम सब के साथ इंडिविजुअली बात कीजिए। और जो कुछ भी आप हमारे जीवन में लाना चाहते, सुधार, डांट, एंकरेजमेंट, जो कुछ भी आप हमारे जीवन में एप्लीकेशन लाना चाहते हैं प्रभु, आप कीजिए। हम आप अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह नाजर के नाम में मांगते हैं पिता, सुने और कबूल कीजिए, आमीन। एक प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आज आपसे थोड़ी बातें, प्रभु की बातें शेयर करना चाहता हूं। ये जो स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे कुछ एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, और हम सब ये जानते हैं कि कौन सा ये पिक्चर है। एक स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे बड़ी तादाद में भीड़ चल रही थी, और उस भीड़ में असंख्य लोग, अनगिनत लोग थे, और 12 साल से या कई साल से इस स्त्री को खून बहने की तकलीफ थी। और उसने मन में सोचा कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को पीछे से छूगी तो चंगी हो जाऊंगी। वचन में लिखा है कि उसने बहुत सारे पैसे इसके लिए, अपने इलाज के लिए खर्च किए थे। हम देखेंगे वचन में कि कैसी परिस्थिति में से ये गुजर रही थी। लूका रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय और उसके 42 से 48 आयत हम पढ़ेंगे। वैसे वो मैंने स्क्रीन में सब टाइप करके तैयार रखी है, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी इसको पढ़ने में। ये आपके सामने ही है। जब यीशु लौट रहा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। और देखो, यारी नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह घर जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे, और एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र को, के आंचल को उसने छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? तब सब मुकरने लगे। तो पतरस और उनके साथियों ने कहा कि हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दिखाई नहीं दे रहा, छू रही है ऐसा कुछ, और तुझ पर गिर पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव में गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ और क्यों कर तुरंत चंगी हो गई। और 48वीं आयत कहती है, प्रभु यीशु सराहना के रूप में
एप्रिसिएशन के रूप में कहते हैं कि उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। फिर से हम वर्ड वर्स बाय वर्स अगर देखें तो यीशु कहीं से लौट रहे थे और लोग उनके उनको आनंद से मिल रहे थे और यारी नाम का एक अगवा था, सरदार था, आराधनालय का सरदार था। वो आया और यीशु के पांव में गिरा और विनती करने लगा, उनके घर बुलाने लगा, क्योंकि उनकी 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी जो मरने पर थी। और वो जा रहे थे, यीशु मसीह वहां पर जा रहे थे, तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। अब यहां पर जिस स्त्री की बात हुई है, आपको पता है, हम सबको पता होगा कि उस समय जब तक यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान नहीं दिया, तब तक पुराने नियम के नियम की वाचा में लोग बंधे हुए थे। और जिसको ऐसे लहू की बीमारी थी या ऐसा कुछ भी, कोई भी प्रकार के स्ट्रिक्ट नियम थे, बड़े सख्त नियम थे, उनको गांव से बाहर बस्ती से दूर रहना पड़ता था, काफी कुछ नियम उनको नहीं फॉलो करने पड़ते थे। और अगर वो चंगा होते थे तब भी प्रमुख या जो याजक है उनको दिखाना पड़ता था, जब तक वो प्रमाण नहीं दे तब तक उनको चंगा भी नहीं कहा जाता था। तो इस तरह की परिस्थिति में थी। आज भी, आज के समय में भी आप देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रदेश है, ऐसे विस्तार है जहां पर स्त्रियों की परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी पुरुष प्रधान मानसिकता है। स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को वो नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, डूस एंड डोंट्स जितने पुरुषों के लिए है उससे कई ज्यादा डूस एंड डोंट्स औरतों के लिए है। और इसीलिए काफी संस्थाएं ऐसी उभर आती है, निकल आती है, काफी ऐसे लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ लेके निकल आते, स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री सशक्तिकरण की काफी बातें भी होती है, हालांकि कितना सशक्तिकरण होता है वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन वो बहुत अलग टॉपिक है। लेकिन उस समय में अगर आज ये परिस्थिति आप सोचिए कि ये स्त्री की उस समय में क्या हालत होगी, वो कहाँ रहती होगी। मेरा ये मानना है कि उसका परिवार उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि एक साल नहीं, दो साल नहीं, 12 साल से वो बीमार थी। उसका जो उसके बदन में से जो लहू निकलता था, निकलता होगा, वो कितनी बास मारता होगा। उसके बदन में हमारा लहू जब निकल जाता है तो हमें पता चलता है कि अशक्ति, कमजोरी महसूस होती है। उसके शरीर में से, बदन में से 12 साल से लगातार लहू बहता रहा, वो खाना कहाँ से लाती होगी, उस क्योंकि नौकरी नहीं कर पाती होगी, वैसे ही उस टाइम पे नौकरी नहीं करता था, कोई व्यवसाय नहीं कर पाती होती, गांव के बाहर रहती होगी, किसने अगर दे दिया तो दे दिया, नहीं तो भूखी सो जाती होगी, ठंड लगती होगी तो कंबल कौन उड़ाता होगा, माथे पे छत थी भी नहीं, हमें पता नहीं। आज से 2000 साल पहले की बात आप सोचिए, जस्ट इमेजिन क्या हालत होगी उस स्त्री की। लेकिन उसको पता चला कि यीशु मसीह आए हैं। पता नहीं उसको कैसे पता चला, वो भी पता नहीं है, कोई उसको टुकड़ा फेंकने गया होगा और उसने बोल दिया होगा, या फिर
कैसे उसको उसको यीशु मसीह के बारे में पता आया होगा हम नहीं जानते, लेकिन सिर्फ हमें हमें इतना पता है कि वो उसने प्रभु यीशु मसीह के पास जाना तय किया। वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई, उसने मन में सोचा कि मैं उनके वस्त्र के, गुजराती में कैसे के जब्बानी कोरने, मैं उसके प्रभु यीशु मसीह के गारमेंट को, वस्त्र को छूंगी तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। यहां पर इस स्त्री का विश्वास कितना है, और विश्वास के साथ एक्शन। बाइबल कहता है कि तू कहता है कि तुझे तुझे विश्वास है, लेकिन करनी किधर है, करना किधर है, एक्शन में कहां पर है, कर्म में कहां लाता है तू विश्वास? विश्वास के बगैर प्रभु को प्रसन्न करना नामुमकिन है, लेकिन सिर्फ बोलने से विश्वास नहीं बताया जाता, उसको कार्य में लाना पड़ता है, एक्शन में लाना पड़ता है। और सब कुछ तकलीफ, सब कुछ मुश्किल, एडवर्सिटीज इस औरत के लिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सराउंडिंग सब कुछ परिस्थितियां उसके खिलाफ थी। मैं कहता हूं कि मैं पुरुष हूं, मेल हूं, फिर भी ऐसे हालात अगर मेरे होते तो मैं हिम्मत नहीं करता। और आज काफी लोग हार जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, दारू पीना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स, सिगरेट, अलग अलग व्यसन करना शुरू कर देते। वो लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से हमारी तकलीफ दूर होगी। आज तक ऐसा करने से किसी की तकलीफ दूर नहीं हुई है, लेकिन मैं इस स्त्री के विश्वास को मैं सैल्यूट करता हूं। जब भी प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु को पूछूंगा कि प्रभु वो स्त्री से मुझे मिलवा दीजिए, और मैं उनको वहां पर भी सैल्यूट करूंगा। सारी तकलीफ, सारे हालात, विपरीत हालात, वो सबको छोड़ के उसने तय किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगी, और वो गई। और फिर क्या हुआ, उसने शायद मैं मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो भीड़ में जाती होगी ना, तो ऐसा ही उसको एक्सेस नहीं मिल गया होगा कि चलो हाँ हाँ प्रभु के पास जा। कितने लोगों ने उसको ठुकरा के बगाए हुए, चल भग भग, अरे अरे ये तो लोहू बहने वाली स्त्री, अरे ये तो रोगिष्ट है, ये तो पीड़ित, भगाओ उसको भगाओ, अरे इसको किसने आने दिया, अरे तुझे किसने आने दिया, अरे भगाओ। लोग भीड़ इकट्ठी हो गई होगी, ऐसे वो इजीली नहीं हो गई होगी प्रभु के पास। लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि आज मैं प्रभु यीशु को छूंगी, मतलब छूंगी। ये जो वाक्य है, प्रसंग है, उसके अंदर हम इमेजिन कर सकते हैं कि, और हमें पता है कि नहीं, जब भी यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बारे में जहां पर भी चार सुसमाचार, चार सुवार्ताओं में लिखा है, लोग की भीड़, बेशुमार लोग उनके पीछे चल रहे थे। हमें पता है कि जो लोगों को प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया था, उनमें कितने सारे तो पुरुष थे। खाली लिखा है कि इतने हजार पुरुष थे, शायद 12,000, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैं वचन में काफी कच्चा हूं याद रखने में। लेकिन जो खाना लोगों ने खाना खा के जो बचा कुचा कूड़ा था वो छोड़ा था, उसकी भी 12 टोकरी भरी थी। मतलब हम अंदाज लगा सकते हैं कि कितने तादाद में लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते थे।
तो सबके बारे में नहीं लिखा है, इसको ये हुआ उसको हुआ, इसने प्रभु यीशु को छू लिया तो ये चंगा हो गया, इसने प्रभु को पुकारा ये हुआ, काफी जगह पे अलग अलग लिखा है, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर प्रसंग की बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ इसी स्त्री की बात की है, जब याइर प्रभु को ले जाता है अपने घर तब की बात है। इस स्त्री का नाम नहीं लिखा है, फिर भी इसके बारे में सुसमाचार में जिक्र किया गया है, क्योंकि उसका बहुत ही महान विश्वास था। यार वो आज के संदर्भ में देखे ना, बिल्कुल ये बनाओ, भले ही 2000 साल पहले बनाओ, हमारे जीवन में बिल्कुल सुसंगत है, ये एप्लीकेबल है। हम भी उस टाइम पे हजारों लोगों की भीड़ होगी, उसमें से इस स्त्री ने मन में तय किया मैं प्रभु यीशु को छूंगी, और वो छू के गई, उसने जाके छुआ, उसने आशीष पाई, छुटकारा मिला, और सुसमाचारों में उसका नाम लिखा गया, उसको शाबाशी मिली, सराहना मिली। अगर हम हमारे जीवन में आज देखेंगे ना, तो यही देखने को मिलता है। प्रभु यीशु के कलीसियाओं में हजारों लोग आते हैं, संगति में हजारों लोग जाते हैं, हम लोग प्रेयर वॉक में जाते हैं, हम लोग वर्शिप, अभी वर्शिप हुई ना, आप लोगों में से काफी लोगों ने घर में भी उछल उछल कर वर्शिप की होगी, हाथ उठा के हालेलुया प्रेज लॉर्ड कहा होगा, कुछ लोग रोए भी हो कि आंसुओं के साथ वर्शिप की होगी, हम लोग वर्शिप करते हैं, प्रेयर वॉक में जाते हैं, हम लोग 5 बजे उठकर, सुबह 5 बजे उठकर दुआ करते हैं, 3 बजे उठकर दुआ करते हैं, क्वायर में हम बैठते हैं, बाइबल स्टडी में हम हिस्सा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ ये करती है, लेकिन उसमें से कौन सही में यीशु मसीह को छूने पाता है या छूता है वो प्रश्न है। इस स्त्री के अलावा बाकी की भीड़, शायद ऐसा होगा कि प्रभु यीशु एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे जाते होंगे, कुछ मीलों का अंतर होगा, कुछ किलोमीटर का अंतर होगा, कुछ लोग शुरू से लेकर अंत तक पीछे चले होंगे, और ये स्त्री इंतजार करती होगी अपने जगह पे, शायद बीच में भी वो जगह हो सकती थी, इंतजार करती होगी कि ओ यीशु मसीह दूर से आ रहे, जब वो नजदीक आए, क्योंकि वो चल नहीं पाती होगी 12 साल से, उसके मैं मानता हूं उसके खून में कुछ, उसके बदन में कुछ खून ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, दूसरे लोगों ने जितना प्रभु के साथ चले होंगे प्रभु के पीछे, उसका 1% 1% भी ये स्त्री चली नहीं होगी, लेकिन उसने क्या किया, आनंद प्रभु को, हाँ वो दिख रहे, तैयार हो गई होगी कि बस मुझे तैयार रहना है, मुझे तैयार रहना है, बस ये आए, चाहे मैं दौड़ू, चाहे मैं चलू, या मैं रेंगू, कुछ भी करू, मुझे प्रभु को छूना है। वो भीड़ शुरू से लेकर अंत तक प्रभु के पीछे चली थी, उसमें से हजारों लोग बिना प्रभु का स्पर्श पाए, बिना कुछ पाए वापस चले गए, और एक इस स्त्री ने दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास के साथ प्रभु को छुआ, और चंगाई भी पाके गई और सराहना भी पाया। आप में से, हम में से कितने लोग इस संगति में, कोई 1 साल से हिस्सा लेता है, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, 15 साल से भी लेते होंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस संगति में या किसी भी संगति में
मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस भीड़ के माफिक हो जो पहले से एक साल से या दो साल से या तीन साल से या पांच साल से या 15 साल से बस प्रभु के पीछे चलते आ रहे हो लेकिन कुछ भी पाया नहीं है, या फिर इस स्त्री की तरह हो कि प्रभु को आप छूते हो, प्रभु से आशीष पाते हो, पिछले सप्ताह 2 दिन पहले कल या परसों हमारी संगति में एक जवान लड़के की मौत हुई। वो जवान लड़का मैं विश्वास करता हूं कि उसने प्रभु यीशु मसीह को जानना था, और काफी बार प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श भी उसने किया था, और मैं मानता हूं कि प्रभु ने उसको नाश में तो नहीं जाने दिया होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो मेरी भेड़े है उसे कोई छीन नहीं पाएगा मुझसे, और मैं विश्वास करता हूं कि आज वो प्रभु के पास तो होगा ही होगा। लेकिन मुझे ये कहने दो कि उस जीवन से प्रभु को क्या आनंद मिला, साम 24:1 गुज शास्त्र भजन संहिता 24:1 कहता है कि ये पृथ्वी और उसका सब कुछ यहोवा का है, विश्व जगत और उसके अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ यहोवा का है, यहां तक कि हमारा ये शरीर, हमारी ये सांस, हमारा सब कुछ यहोवा का, परमेश्वर का है, ये सूर्य प्रकाश, सूरज, चंद्र, तारे, सब कुछ, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ना वो भी प्रभु का है, जो खाना हम खा रहे हैं वो भी उनका दिया है, कपड़े जो पहनते हैं वो भी उनका है। उस इंसान के बारे में मैं कहना चाहूंगा, या फिर हमारे बारे में, मेरे बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पीछे इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं जो कुछ भी इस्तेमाल करता हूं वो प्रभु का है, और अगर मेरे जीवन से प्रभु को आनंद ना मिले, प्रभु को महिमा ना मिले, प्रभु की सेवकाई ना हो, प्रभु का कुछ काम ना हो, मैं मानता हूं कि मेरे जीवन से अफसोस है प्रभु को, मेरे जीवन से अफसोस है। हम किसी चीज के मालिक नहीं है, हमारे जीवन से, जीवन के भी हम मालिक नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि अपना हमारा भाई जो है वो नाश में तो नहीं गया होगा, क्योंकि वो प्रभु का कार्य है, प्रभु ने उसको नाश में नहीं जाने दिया होगा, लेकिन अफसोस है कि क्या प्रभु को आनंद मिला। मुझे ये प्रश्न मुझे करना है, मैं आपको नहीं कर रहा हूं, मुझे ये प्रश्न अपने आप को करना है कि मेरे जीवन से प्रभु को क्या आनंद मिलता है। ऐसे बहुत सारी भीड़ है जो पहले से लेकर अंत तक प्रभु के पीछे चलती है। कुछ भीड़ खाना खाने के लिए आती है, कुछ भीड़ चमत्कार देखने के लिए आती थी, कुछ भीड़ बस कोई काम नहीं था इसलिए आती थी, कुछ भीड़ दूसरों को दिखाने के लिए आती थी, कुछ भीड़ प्रभु को दिखाने के लिए आती थी कि प्रभु देखना मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, मैं आता हूं। क्या हम ऐसे तो नहीं है ना कि प्रभु को दिखाने के लिए आते हैं, अगुओं को दिखाने के लिए आते हैं? देखिए, सिर्फ प्रभु के पीछे चलने से या ऐसे धार्मिक कार्यों करने से या ऐसी संगति में जाने से, प्रेयर वॉक में जाने से, 5 बजे की प्रेयर में बैठने से, क्वायर में जाने से, अच्छी फिल्में या वीडियो बनाने से, इन सब बातों से हम दिखता तो है कि हम प्रभु के पीछे चल रहे,
लेकिन प्रभु को पता है कि हम कितने उसके उनके पीछे चल रहे हैं। सबसे ऊपर जो है ना वो है प्रभु के साथ का संबंध, रिलेशन। आप, मैं और आप, मुझसे ऐसे गलती से बोला जाता है कि आप, लेकिन मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं और आप। हम लोग किसी संगति में जाते या किसी ऐसे प्रोग्राम में जाते हिस्सा लेते हैं, वो प्रमाण नहीं कि हम पीछे प्रभु के पीछे चल गए। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि ये सब बंद कर देना चाहिए, ये जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है कि हमें इकट्ठा होना बंद नहीं करना है, और मैं वचन के खिलाफ नहीं बोल सकता। प्रभु का वचन कहता है आप आराधना करो, आप इकट्ठा हो, आप दुआ करो, लेकिन एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसके ऊपर आधारित ना हो। यह कहने का मतलब है सबसे ऊपर जो कुछ चीज गिनी जाती है तो प्रभु के साथ का संबंध, प्रभु के साथ का रिश्ता, प्रभु को कितना हम छूते हैं और कितना हम प्रभु का स्पर्श पाते हैं, वो है। मुझे मुझे बड़ा अफसोस है कि वो भाई जिसकी मौत हुई उसके जैसे हम में से बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर संगति में आते हैं, रेगुलर अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन प्रभु को कोई खुशी नहीं दे पाते। उस भीड़ में बहुत सारे लोग पहले से प्रभु के पीछे चलते 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 अंत तक गए और घर को चले गए थे, और इस स्त्री ने सिर्फ चंद मिनट, चंद क्षण प्रभु के निकट गई, प्रभु को छुआ, प्रभु का स्पर्श पाया और सराहना पाई, चंगाई पाई। मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि हम में से उस भीड़ के जैसे कितने लोग हैं और इस स्त्री के जैसे कितने लोग हैं? क्या हम संगति में आते हैं और उस भीड़ के जैसे बिना छुए चले जाते हैं? क्या वो हम 5 बजे की दुआ में या फिर प्रेयर वॉक में आते हैं और बिना छुए चले जाते हैं? क्या हम, यहां तक कि मैं बोलूंगा कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं? बहुत सारे लोग जाते, मैं भी जाता था। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जीवन ही नहीं सौंपा तब भी मैं जाता था बचपन में, हर 26 तारीख को, 26 दिसंबर को हमारे चर्च की ऊंट गाड़ी जाती थी, मैं ऊंट गाड़ी में बैठ के कांकरिया जाता था और ट्रैक बांटता था, मैं हिस्सा लेता था, चर्च सर्विस में जाता था, हिस्सा लेता था, संडे स्कूल में जाता था, VBS में जाता था, रिट्रीट में जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन उस भीड़ के माफिक मुझे पूछने दो कि क्या हम में ऐसे लोग हैं जो सब कुछ करते आए हैं फिर भी उस भीड़ की तरह वैसे के वैसे कोरे, जिसको बोले ना कोरा गुजराती, कोरे के कोरे, शुरू भी करते हैं अंत तक प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन ना तो प्रभु के वस्त्र को छुपाते, ना उसके चरणों को छुपाते, ना उसके घायल हाथों को छुपाते, ना उसके हृदय को छुपाते, ना उनको हम छुपाते, ना वो हमको छुप, ना उनको हम अपने आप को छूने देते। बहुत बड़ी भीड़ थी, हम लोग क्या करते हैं पता है? उस भीड़ में सब लोगों ने, मेरा ये पर्सनली मानना है कि काफी लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि बस हमने तो इतने घंटे प्रभु के पीछे चले, बहुत पुण्य पा लिया, बहुत आशीष पा ली। अरे प्रभु यीशु के पीछे चले हम,
प्रभु यीशु के पीछे, उनको नजरों नजर देखा, आंखों से देखा, लेकिन परिणाम जीरो। हमें भी काफी ऐसे लोग हैं, हर हर संडे को चर्च में आते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते, अगवे को दिखा दे कि सर मैं आ गया हूं, हालेलुया, आराधना करते, रोते हैं, पता नहीं किसको दिखाने आते, लेकिन ऐसे के ऐसे वापस जाते। चर्च में आना अच्छी बात है, लेकिन आप, मेरा और आपका चर्च में आना किसको, कौन देखता है, कौन खुश होता है, किसको दिखाने के लिए हम आते, किसको खुश करने के लिए आते, वो देखना सोचने वाली बात है। हम में से काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि चलिए कुछ भी होगा, अगवो के पास जाके दुआ करवा लेंगे। अच्छा है, अगवे दुआ करेंगे, ठीक होगा भी, क्योंकि वो लोग प्रभु के अभिषेक दास है। लेकिन मैं सही बताऊं, मुझे हमारे हाउस ऑफ प्रेयर के अगवे जो है ना, उनके ऊपर दया आती है, तरस आती है। क्यों पता है? कि ये लोग मेरी और आपकी एक्टिंग को समझ ही नहीं पाते। हमारी और आपकी एक्टिंग इतनी बढ़िया है, अमिताभ बच्चन से भी बढ़िया एक्टिंग कर लेते हम लोग। प्रेज लॉर्ड पास्टर, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, बहुत मजा है पास्टर, क्या आपका मैसेज था, क्या वर्शिप में एंजॉय किया, प्रेज लॉर्ड पास्टर, हालेलुया, 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 इतनी बढ़िया एक्टिंग हम कर लेते हैं, लेकिन उस भीड़ की तरह ना प्रभु को हम छूते हैं, ना उनको हमें छूने देते हैं। और जब तकलीफ आती है तब अगो के पास जाते, पास्टर देखो मैं ये हो रहा है, पास्टर वो डीवाईएसपी साहब को बोलो ना ये केस में मदद करे, पास्टर अब दुआ करो ना, अब घर पे आओ ना, अब फोन पे दुआ करो ना, ये करो ना। नहीं, हितेश भाई ने कहा ना पटेलिया साहब ने कि पूछते हैं हम लोग कि मेरे बारे में प्रभु ने क्या कहा, अरे तेरे बारे में ऐसा कहा है कि तूने अपने प्रथम के प्रेम को त्याग दिया है, चल बोल कुछ सुनना है अभी और आगे। अगवो के पास जाते बेचारे अगवे, उन्होंने जीवन न्यौछावर कर दिया है प्रभु की सेवकाई में, वो लोग तो दुआ करेंगे ही नहीं, लेकिन सही में बताऊं तो मैं उनके ऊपर मुझे तरस आता है, दया आती है कि बेचारे कब तक दुआ करेंगे। देखिए उनको प्रभु ने अभिषिक्त किया है, वो दुआ करेंगे, ठीक होगा, लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी है प्रभु के साथ का वो संबंध, जितनी भी बार दुआ में बैठते हैं, जितनी भी बार बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, जितनी भी बार संगति में आते हैं, क्यों हम यीशु को छुए बिना निकले वहां से, क्यों, क्यों? देखिए अगर हम इसी तरह सिर्फ और सिर्फ अगवो के आधारित रहेंगे ना, तो मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं। देखिए ये जो हमने देख लिया, यीशु ने उससे कहा कि बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा की, कुशल से चली जा। लेकिन अगर हमारा विश्वास ऐसा नहीं है, हमारा कार्य ऐसा नहीं है, हमारा एक्शन ऐसा नहीं है, हमारा संबंध नहीं है, अगर हम किसी के और के ऊपर, अगवो के प्रभु के साथ के संबंध ऊपर हम टिके हुए, वचन यह है एस्कियल 14 में अध्याय में 12 से 20 में साफ साफ कहता है, तब चाहे आगे जो पहला वचन है उसमें लिखा है कि जब किसी देश के लोग मुझे विश्वासघात करें, पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ा कर उनका अन्न रूपी आधार दूर कर दूं, ये कर दूं, तब अगर चाहे उस देश में नूह
दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो तो वे अपने धर्मों के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, केवल अपने ही प्राणों को, किसी और के प्रभु के साथ के संबंध के ऊपर अपनी जिंदगी की इमारत मत बांधिए। अगुओं का होना जरूरी है, अगुओं का टीचिंग लेना जरूरी है, संगति में आना जरूरी है, उनके पास से सीखना जरूरी है, उन्हें पूछना भी जरूरी है, उनको देख के उनका अनुसरण करना भी जरूरी है, लेकिन उनके ऊपर जिंदगी नहीं बांध सकते। वो लोग केवल अपना ही प्राण बचा पाएंगे। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं, कोरोना भेजूं, उसको निर्जन कर दे, उजाड़ ले और जंतुओं के कारण कोई इसमें होकर न जाए, यही चल रहा है ना आज, क्या करोगे? घर में कोरोना आएगा तो अगो के पास जाएंगे? तो चाहे इसमें वे तीन पुरुष हो तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगन, प्रभु खुद के जीवन की सौगन खा के कहता है कि न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, तो देश उज्जड़ हो जाएगा। इसके ऊपर मेरी और आपकी जीवन की इमारत टिकी हुई है, किस रॉक के ऊपर, किस खड़क के ऊपर मेरा और आपका घर बंधा हुआ है? और यदि मैं इस देश में तलवार खींचकर कहूं, तलवार उस देश में चल, मतलब कि अशांति हो, मनुष्य और पशु का नाश करूं, तब भी ये तीन पुरुष में हो गए तो प्रभु की यही वाणी कि ये वे ही अकेले बचेंगे। और मरी फैलाओ, अपनी जल जलाहट भड़का कर उसका ऐसा बहाव कि वह मनुष्य और पशु दोनों का नाश हो। तो नूह होगा, दानियल होगा, अय्यूब होगा, कोई भी होगा, अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा पाएंगे। किसके ऊपर मेरी और आपकी इमारत टिकी हुई है? अगुए के पास जाइए, संगति में आइए, वचन में कुछ समझ नहीं पड़ती है तो आइए, किसी ऐसी बहुत बड़ी तकलीफ है, स्पिरिचुअल वॉर है, हाँ अगुए हम है ही इसके लिए, लेकिन हम पर, किसी के अगुए ऊपर आपके जीवन की इमारत मत बांधिए। वो भाई भी जिसकी मौत हुई, हर संडे को आता था, जो दुआ होती थी उसके लिए भी होती थी, उस वातावरण में भी वो नहीं, उस एटमॉस्फेयर में भी वो आता था। हमारी भी ये गलती है, हम लोग किसी भवन को, किसी मंदिर को, प्रभु के मंदिर को, भवन को हम सेंचुरी मान दे, सेंचुरी मतलब सेंचुरी गुजराती में अभयारण्य के, जिस मतलब कि वहां पर सेफ्टी हमें मिलती है, हम सेफ रहते वहां पर, चलो इस भवन में आके अब अच्छा हो गया, अब कुछ नहीं होगा, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, आज तो बहुत धन्य हो गए हम संगति में जाके आए, हाउस ऑफ प्रेयर में जाके आए, मेथोडिस्ट में जाके आए, CNI में जाके आए, अलायंस में जाके, अच्छा हो गया तो चलो, अगर नहीं जाता तो मेरा रविवार बिगड़ता, पूरा सप्ताह बिगड़ता, होता है ना, दरवाजा खोल के अंदर आके हाश में हाश, चलो अब यहां मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अय्यूब का पुस्तक पढ़ लेना, वहां पर लिखा है कि यहोवा जब बैठा था और स्वर्गदूत वहां थे, तब शैतान वहां पे आया और यहोवा ने पूछा कि कहां जाके आया,
बोले पृथ्वी पर यहाँ यहाँ वहाँ टू एंड फ्रो में इधर उधर भटक के आयो। यहोवा की हजूर में, मतलब कि आज का जो स्वर्ग है वहां पर भी शैतान को थोड़ा एक्सेस है, वहां पर भी वो जा सकता है। और इसीलिए प्रकटीकरण में, संदर्शन में लिखा है कि सब कुछ शैतान का न्याय हो जाएगा, उसके बाद नया यरूशलेम, नया स्वर्ग, नया आकाश, नई पृथ्वी, सब कुछ नया आएगा। और वो स्वर्ग में शैतान को एक्सेस नहीं होगा। आप कौन सी सेंचुरी में, कौन से भवन में जाके सेफ्टी फील कर दे? वचन साफ कहता है कि प्रेरितों के काम 17:24 में जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। कौन से मंदिर में जाके, कौन से भवन में जाके मैं और आप सेफ्टी फील करेंगे? कौन सी ऐसी सेंचुरी है जहां पर हम ऐसा सोचते कि यहां तो शैतान नहीं आएगा? कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा भवन, कोई ऐसी ऐसा स्थान किसी अगुए के पैर में भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, वचन संहिता 91:1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रथम परम प्रधान परात्पर देव उनके चरणों में, मतलब कि उनके रिलेशन में, उनके साथ के संबंध में, अकेले उस, बस सिर्फ फिजिकली नहीं, वो भीड़ फिजिकली प्रभु के पीछे चलती थी, स्पिरिचुअली प्रभु से दूर थी। क्या हमारा जीवन ऐसा है उस भीड़ के जैसा? अब अगर मुझे और आपको छोटी छोटी बातों के लिए अगुओं को फोन करना पड़ता है तो आप यकीन मानिए कि मैं और आप उस भीड़ के जैसे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि अगुओं को फोन करना बंद कर दो, जो जरूरी है वो सब करने का चालू रखिए, जारी रखिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बताए, अगुओं की दुआ की स्टाइल को हम उसका अनुसरण करते हैं, उनके शब्दों का अनुसरण करते हैं, उनके बैठने की स्टाइल, उनके खड़े रहने की स्टाइल, उनके हाथ उठाने की स्टाइल, लेकिन उनका प्रभु के साथ का जो संबंध है ना उसका अनुसरण हम नहीं करते। जरूरी वो है तो ये सब तो ऐसे ही आएगा। उस भीड़ में हजारों लोग थे प्रभु के साथ, प्रभु यीशु के पीछे फिजिकली चले 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 चले, लेकिन प्रभु को छुए बिना, स्पर्श पाए बिना ऐसे कोरे रह गए। लुका 8:21 क्या कहते हैं? प्रभु के अनुयायी या प्रभु के रिश्तेदार कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। ऐसा कुछ याद आता है? ये स्लाइड कहीं देखी हुई लगती है। एक प्रोग्राम था जिसका नाम था होप अल्फा, याद आया है, कुछ सुना सुना लगता है। चश्मे पहनने पड़ेंगे। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा भीतर से ही हमें बदल कर एक नई गवाही पैदा करता है। उसमें क्या क्या आता है? नया स्वभाव, नया चरित्र, परमेश्वर के साथ निकटता, नया संबंध। तो कर लिया, बहुत मजा आया। हम तो वो होली स्पिरिट डे के दिन हम तो गिर गए थे। मैं तो गिरी थी, वाह भैया मैं तो गिर गई थी। क्या प्रभु ने छुआ, मैं तो गिर गई थी। बाद में क्या हुआ? दूसरे दिन सिर दुखा तो अगुए को फोन किया था,
विश्वास में भी गिर गई थी मैं तो भैया। मैं संबंध कहाँ है, क्या उस भीड़ के जैसे बस फिजिकली चलते, फिजिकली दुआ में जाते, फिजिकली प्रेयर वर्क में जाते, फिजिकली संगति में जाते, प्रभु को छुए बिना। लाखों लोग हैं आज भी इस संसार में, लाखों लोग हैं, जाते संगति में आते हैं, जाते पास्टोरेट कमिटी में जाते हैं, अलग अलग कमिटी में रहते हैं, कारभारी कुछ कुछ कलीसियाओं में कारभारी है, अलग अलग पोस्ट है, यहां तक कि अगवे भी है, पास्टर भी है, फिजिकली सब कुछ करते हैं, लेकिन उस भीड़ की तरह शुरू से लेके प्रभु मैं। और जब उनकी मौत होती है तो उनके लिए गवाही देने के लिए लोग खड़े होते थे। ओह ब्रदर 37 साल तक पास्टोरेट कमेटी में रहे, सेवा आपी 37 साल तक पास्टोरेट कमेटी में हमने सेवा आपी, 37.5 वर्ष सुधी प्रभु ने पास्टर बहुत चाल लिया, प्रभु ने बहुत विश्वास सेवक था। ख्रिस्ती बंधु में लिखेंगे हूँ सारी दौड़ दौड़ियो छू, मैं मारी लड़ाई पूरी करी, ऐसा कुछ लिखते है। प्रभु की दृष्टि में ना भक्तों मरण कीमती से वाक्य तो ऐसे भारी बरखम लिखेंगे, लेकिन उस भीड़ के जैसे 37 साल सेवा की पास्टोरेट कमेटी में, लेकिन उस भीड़ के जैसे याद आता है ये। ये भी होप अल्फा के ये भाग है, मैं मुझे प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए उसकी एक स्लाइड है, होता है इसमें से कुछ भी आज, या फिर अगुओं को फोन करना पड़ता है। उस स्त्री को कौन सा अगुआ उस स्त्री को छुआ था, कौन से अगुए ने उसके लिए दुआ की थी, कौन से अगुए ने उसके माथे पर हाथ रखा था, प्रभु को छुई वो। स्लाइड फिर से देख लीजिए, इसमें से कौन सी चीज मेरे और आपके प्रभु के संबंध के वजह से होती है, और कौन सी चीज अगवे की दुआ की वजह से होती है। आज एनालिसिस, आज मूल्यांकन कर डालते हैं, क्या हम उस भीड़ के जैसे है या उस स्त्री के जैसे। प्रभु को उसने भीड़ के अंदर छुआ। देखिए वो बिचारी स्त्री को एक ही बार मौका मिला प्रभु को छूने का, और उसने छू लिया, चंगाई भी पा ली, और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि उसने सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं पाई, शारीरिक मानसिक और आत्मिक सभी तरह की चंगाई। आज वो स्वर्ग में कितना आनंद करती होगी, वो कितनी खुश होगी कि प्रभु के वचन में मेरा जिक्र है, जीवन के पुस्तक में भी मेरा जिक्र है, प्रभु के वचन में भी मेरा जिक्र है, और मेरे इस छोटे से काम की वजह से कितनी जगह पे उपदेश भी लोगों को दिया जाता है, प्रवचन भी दिया जाता है, कितना बड़ा सम्मान दिया प्रभु ने। आज इस वचन के आईने से हमें अपने आप को देखना है, हम कहां पर है, हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, क्या उस भीड़ की कैटेगरी में जो शुरू से लेकर अंत तक प्रभु के पीछे चली, लेकिन सिर्फ फिजिकली चली, या उस स्त्री के तरह से है हम, कि हमें प्रभु हर बार छूने का मौका मिलता है। रोज मेरी रोज की यह दुआ होती है, रोज सुबह में जब क्वाइट टाइम में बैठता हूं, मैं प्रभु से विनती करता हूं कि प्रभु आज की मेरी दुआ
ये सिर्फ फॉर्मेलिटी ना बन जाए, ये सिर्फ एक रूटीन ना बन जाए, लेकिन मुझे आपकी हुजूरी में लीजिए, मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए प्रभु। प्रभु को शब्द की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े भारी भरकम शब्द की जरूरत नहीं है प्रभु। वो गूंगे की दुआ भी, दिल की दुआ भी सुनने वाला प्रभु है। शाबाश मेरी लड़की, तेरे विश्वास ने तुझे बचाए, शांति से जा। सोचिए, मुझे और आपको हर रोज मौका मिलता है प्रभु की प्रेजेंस में जाने का, प्रभु के वस्त्र को छूने का, प्रभु के पांव को छूने का, प्रभु के घायल हाथों को छूने का। क्या हम छू पाते हैं या फिर उस भीड़ की तरह है? आइए आंखें बंद कर दे, दुआ में जाते हैं। अपनी आंखें बंद करें, पवित्र आत्मा से हमने दुआ की थी, हमसे इंडिविजुअली बात करें और उन्होंने की है, मेरा विश्वास है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। अगर उस भीड़ के माफिक हमारा पिछला जीवन दिख रहा है, माफी मांगे प्रभु से, सॉरी डैडी, सॉरी डैडी, हमें माफ कीजिए, हमने आपके वचन को ठीक से समझा नहीं, ठीक से जीवन में उतारा नहीं, हमने आपके साथ के संबंध की बजाय दूसरों के संबंध को हमारे जीवन की नींव बनाई है, उसके ऊपर हमारे जीवन की या हमारे विश्वास की इमारत को खड़ा किया है। माफी मांगी प्रभु से, कहिए कि हाँ प्रभु, मेरे जीवन का आधार आपके साथ का संबंध नहीं था, लेकिन फिजिकल कार्य थे, जो भौतिक कार्य थे, एक्ट्स ऑफ गुड डीड्स। सेवकाई में कोई मिनिस्ट्री वाले जाते हैं तो गाड़ी चलाना उसको मैं अच्छा कार्य मानता था कि हाँ मैं तो गाड़ी चला रहा हूं, मैं तो गाड़ी साफ कर रहा हूं, मैं तो 2 बजे आके सामान भर रहा हूं, भूखों को भोजन में मैं तो बर्तन मांज रही थी, मैं तो सब्जी काट रहा था। बहुत अच्छा प्रभु, आपने मेरे पास बहुत अच्छी सेवकाई करवाई। प्यारो, अगर आप नहीं करोगे तो दूसरे करेंगे। वचन ये कहता है पहले समूएल 15:22 में, या फिर अगर मेरी गलती नहीं है तो 15:22 है, लेकिन दूसरा अगर है तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि वचन को याद रखने में मैं बहुत ही कमजोर हूं, लेकिन वचन साफ कहता है, सॉरी मुझे माफ कीजिए, वचन साफ कहता है कि अपनी बात माने जाने से ज्यादा परमेश्वर किसी भी यज्ञ कार्य के या किसी भी अर्पण से खुश नहीं होता। सबसे ज्यादा खुशी उनको उनकी बात माने जाने से होती है, और वो बात हमारा सबसे ऊपर, जो सभी बातों में सबसे ऊपर जो बात है वो है उनके साथ का संबंध। वो संबंध जब होगा तब उनकी बात हमें पता चलेगा, तब हम उनकी बात मानेंगे। अगर उस अच्छे कर्मों और उस अर्पण वो कार्य के द्वारा हमने सोचा कि बस मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं या चल रही हूं, तो प्यारो माफी मांगने की जरूरत है। अगर प्रभु के साथ का आपका संबंध सही में ठीक है,
तो आप धन्यवाद कर सकते हो कि प्रभु आपने मेरे साथ, मेरा आपके साथ का संबंध अच्छा है, और उस संबंध की वजह से आपने मुझे उस कार्यों में इस्तेमाल किया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। लेकिन वो संबंध नहीं है, सिर्फ उस भीड़ की वजह से फिजिकली चलते हैं, प्यारो माफी मांगी। आइए हम सब लोग एक साथ अफसोस मनाते हैं और माफी मांगते हैं। लेकिन सिर्फ अफसोस मना के बैठ नहीं जाते, आज प्रभु से वो संबंध मांगते हैं, जो संबंध यीशु मसीह इस संसार में आए, जो संबंध उनका पिता के साथ था, वो संबंध मांगते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके बड़े और सामर्थी नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि सारे संसार में सिर्फ आप ही आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, धन्यवाद के योग्य हो, स्तुति के योग्य हो, आपके अलावा कोई नहीं है। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन में इंटरेस्ट लेते हो, आपको हमारे जीवन में प्रभु रस है, आपको हमारे जीवन में प्रभु आपको शामिल होने का अच्छा लगता है, और आप प्रभु आप परमेश्वर हो, सर्वशक्तिमान प्रभु हो, सर्वस्व ज्यादा पवित्र हो, सब कुछ देने वाले प्रभु हो, आपसे संबंध रखने की गरज हमको होनी चाहिए, आपके पीछे दौड़ने वाले हम होने चाहिए, लेकिन उसके बजाय आप सामने से हमसे संबंध रखने की इच्छा रखते हो प्रभु, आप सामने से अपना हाथ बढ़ाते हो प्रभु, आप प्रभु आपके साथ की संगति की भूख हमें होनी चाहिए, उसके बजाय आप हमसे संगति रखना चाहते हो, क्योंकि वचन कहता है कि आप प्रेम हो, गॉड इज लव। कितना महान और कितना प्रेमी प्रभु हमें मिला है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आज हम हमारे जीवन को आपके आज के वचन के आईने में देखना चाहते हैं प्रभु, और हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने दिखा दिया है कि हम उस भीड़ के तरह हैं या उस औरत की तरह है। प्रभु आज हम पछतावे के साथ प्रभु यीशु आपके चरणों में हम आते हैं। अगर हमारे जीवन की इमारत उस अच्छे कार्यों के ऊपर है या किसी और के संबंध के ऊपर है, आपके साथ के संबंध के ऊपर, अगुओं के साथ है, तो पिता हमें माफ कीजिए। आज से हमें आपके साथ का वो संबंध, उस संबंध में आप स्थापित कीजिए जो आप चाहते हो प्रभु, हम चाहते वो नहीं, जो आप चाहते हो। हाँ प्रभु, जब आपके साथ का संबंध होगा तो बीमारी पर विजय आता ही रहेगा, दुष्ट आत्माओं को उनके ऊपर हम विजय पाते ही रहेंगे, बंधनों तो टूटते ही रहेंगे, परिस्थितियां तो बदलती ही रहेंगी, क्योंकि सब के ऊपर, सारे नामों के ऊपर यीशु मसीह आपका नाम है, और वो नाम जब हमारे हृदय में, हमारे जीवन में सही तरीके से रहेगा, तो ये सब तो हमारे लिए जैसे बाएं हाथ का खेल है ऐसा होता रहेगा प्रभु, क्योंकि तो आपने हमें वो अधिकार दिया है। हाँ प्रभु, वो विजयी जीवन हम आपके साथ के संबंध के जरिए मांगते हैं। आज से, अभी से वो संबंध हम, वो संबंध में आप हमें लाइए प्रभु। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में आप वो कार्य कीजिए। हम आपको पूरा अधिकार हमारे जीवन में देते हैं। थैंक यू डैडी,
वी लव यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह नाजरी के नाम है पिता, आप हमारे जीवन, हमारी दुआ कबूल कीजिए यीशु मसीह नाजरी के नाम में, आमीन।